तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद अनुपम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो है मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने तो आधार कार्ड नाम सुना था जो कि मेरे पास है, ये मास्क आधार कार्ड होता क्या है? दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच अंतर को बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो फिलहाल में आपके पास आधार कार्ड, यानी कि हम सभी के पास जो फिलहाल में आधार कार्ड है, उसमें हमें जो आधार नंबर होता है वह 12 डिजिट का होती है। तो आपको मालूम हो गया दोस्तों, जो 12 डिजिट होते हैं वह साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी कि हम साफ साफ अपने आधार कार्ड से हमें पढ़ सकते हैं। मगर दोस्तों, जो मास्क आधार कार्ड होता है वो स्टार्टिंग की यानी कि 8 डिजिट ब्लर किए हुए होते हैं, जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी कि हम उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं। केवल लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो केवल हमें साफ दिखाई देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के बगल में आप सैंपल के रूप में आप देख सकते हैं। जो केवल लास्ट के 4 डिजिट वो हमें केवल वही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो के आगे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपना जो है मास्क आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बताता हूं कि कैसे आप अपना जो है मास्क आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह होगा कि अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को सबसे पहले ओपन करना है। तो चलिए मैं अपना जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन होता है, आपको सबसे पहले सर्च बार पर जाना होगा। सर्च बार पर दोस्तों जाने के बाद आपको UIDAI सर्च करना होगा, जो कि मैंने पहले से सर्च कर रखा है। तो आपको क्या करना होगा, UIDAI लिखकर सर्च कर लेना। चलिए मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही सर्च करता हूँ, आपको इंटरफेस को इस प्रकार देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले वाला जो लिंक है हमें इसे ओपन कर लेना है। चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ओपन हो जाने के बाद आपको इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिलता है। दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ गेट आधार, उसके नीचे आपको बहुत से नीले कलर में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे लिखा हुआ डाउनलोड आधार, तो हमें क्या करेंगे, हम डाउनलोड आधार पर ओपन कर लेंगे। चलिए मैं इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ओपन हो जाने के बाद आपको इंटरफेस इस प्रकार देखने को हमें मिलता है। दोस्तों, आप नीचे की तरफ आने पर आपको आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आप जैसे क्लिक करते हैं, आपको क्या करेंगे, आपको जो आधार नंबर है यहाँ पर 12 डिजिट का कोड है, आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना जो आधार नंबर मतलब इंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना जो आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर लिया है। दोस्तों, इंटर करने के बाद नीचे की तरफ आने पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि लिखा हुआ आई वॉन्ट अ मास्ट आधार। दोस्तों, लिखा हुआ है तो इसके बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते साइन का ऑप्शन होता है, यानी कि हम इसे क्लिक कर लिए हैं। दोस्तों, नीचे की तरफ आने पर आपको कैप्चा वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कैरेक्टर देखने को मिलेगा, हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर मतलब इंटर करना होगा। चलिए मैं इसे भी इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पर अपना जो है दोस्तों फिर से ट्राई कर लेता हूँ। दोस्तों, ये फिलहाल में अभी हो नहीं रहा है, क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से रिफ्रेश करके नया मतलब नया कैप्चा को मतलब नया कैरेक्टर को हम यहाँ से ला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर नया कैरेक्टर आ चुका है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इस कैरेक्टर को हम यहाँ से फिर से ट्राई कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये वाला कैप्चा इंटर कर लेंगे। तो चलिए इसे भी इंटर कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर मतलब इंटर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा जो पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, ओपन होने के बाद दोस्तों आपको इंटरफेस इस प्रकार में देखने को मिलता है। दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है इंटर OTP। दोस्तों, आपका आधार जो कार्ड है दोस्तों, जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, उसके मोबाइल नंबर पर आपको 6 डिजिट का यानी कि 6 अंक का एक OTP जाएगा। आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इंटर कर लेते हैं, आपको नीचे की तरफ आना होगा। नीचे की तरफ आने पर आपको एक लिखा हुआ टेक अ क्विक सर्वे, आपको एक सर्वे दिखाई देगा, जो कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि पहला लिखा हुआ है, डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। मतलब कह रहे हैं, मतलब कि इस वेबसाइट से जो है अपना आधार लेटर प्रिंट के माध्यम से आप लेना चाहते हैं या नहीं। आप यस का ऑप्शन दिया है, नो, आप जो चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरह पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रिप्रिंटेड आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि आपको कुछ ऑप्शन देकर लिखा है, विद इन 5 डेज वर्किंग डेज, 6 डेज,
सिक्स से दस डेज, 11 से 15 डेज, मोर देन, डिड नॉट रिसीव, नॉट ऑर्डर, मतलब कहने का इन सब का मतलब ये हुआ कि दोस्तों आप कितने दिनों में, आपके पास कितने टाइम है, कितने दिनों में इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप प्रिंटेड आप आधार कार्ड आप कितने दिनों में लेना चाहते हैं एसएमएस के माध्यम से। दोस्तों आपको जो पसंद है यहाँ से आप मतलब क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके नीचे की तरफ लिखा होगा वेरीफाई एंड अलोन। दोस्तों जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपको वेरीफाई होकर जो है मास्क आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि कैसे हम जो है अपना मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड और मास्क आधार कार्ड में अंतर क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर मालूम हो गया होगा कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा कि कैसे अब हमने जो है मास्क आधार कार्ड आसानी से मोबाइल से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप हमारे चैनल पर अपडेट रह सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।